मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। रोशन जी, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीसे मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आगाज करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना दस साल जश्न के हिस्से के तौर पर योम खवातीन का बांसवाड़ा में कामयाब इनेकाद, रियासती असेंबली स्पीकर पोचूराम निवास रेड्डी की शिरकत। अवाम की फलाह के लिए खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत सीएम केसीआर की मिसाल नहीं, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का योम खवातीन के मौके पर खिताब। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ तशहीर तक ही महदूद, योम खवातीन के मौके पर मुतहदा जिले में सी के कविता का इजहार। रुकन राज्यसभा प्रकाश जावड़ेकर का जिले को दौरा, निजामाबाद आर्मर व बोधन में मुनाकिदा पार्टी इजलास में की शिरकत, वो बीजेपी के नौ बड़े कामयाबियों से करवाया वाकिफ। उर्द शरीफ हुजूर सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह व हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर 15 जून को मरकज अहले सुन्नत अल जामियतुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी पर जलसे आम का अहतमाम, अवाम से शिरकत की अपील। जो काम 100 साल में नहीं हुआ उसको सीएम केसीआर ने 10 साल में कर दिया, बीजेपी हुकूमत सिर्फ तशहीर में ही मसरूफ, पीसी कमेटी चेयरमैन एमएलए जीवन रेड्डी। ट्रिपल आईटी बासर में पीयूसी 1 में जेरे तालीम तुलबा पीडीपी का फौज तुलबा व अपराध खानदान में गम की लहर। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। उर्द शरीफ हुजूर सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मद्देनजर शहर निजामाबाद मरकज अहले सुन्नत मदरसा जामियतुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी में 15 जून को जलसे आम का अहतमाम, अवाम से शिरकत के अपील। सरजमीन निजामाबाद पर उर्स हुजूर सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह व उर्स हजरत ताज शरिया के मौके पर मरकज अहले सुन्नत इहाता अल जामियतुल रज़िया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी पर एक अजीम शान जलसियाम बरोदे जुमेरात 15 जून को अहतमाम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद जियाउल मुस्तफ़ा खादरी सज्जदनशीन आस्ताना आलिया खादरिया अमजदिया सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत अलमा मौलाना मुफ्ती अबू यूसुफ अमजदी साहब व हजरत मोहम्मद शाहिद रजा साहब मुंबई के जलवा अफरोज बयानात होंगे, जिसमें आपकी सीरत को बयान किया जाएगा और फातह खानी अंजाम दी जाएगी। जलसे आम में शिरकत की जिम्मेदारान जलसे ने अपील। सऊदी अरब में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड को उबूर करेगा। ममलिकत में मौसमी गर्मा मार्च से सितंबर तक रहता है, मगर इस साल गर्मा कुछ ताखिर से शुरू हुआ और अब शिद्दत इख्तियार कर गया। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के आला अहदेदार हमजा कौमी ने कहा है कि इस साल मौसम गर्मा के दौरान रियाद और शर्किया मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा रीजनों में इंतहाई दर्ज हरारत 50 सेंटीग्रेड की हद अबूर कर जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक हमजा कौमी का कहना है कि इस बात का इम्कान है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में इस साल दर्ज हरारत औसत तनासब से ज्यादा रहेगा। इन्होंने कहा कि माह रवा में बारिश के इम्कान, बारिश का जोर मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके ताइफ में होगा, इसका सिलसिला जुनूब में जाजान तक जाएगा, असर और बाहर भी इसकी लपेट में होंगे। मौसमियात के कौमी मरकज के अहदेदार का कहना था कि कौमी मरकज आइंदा हफ्ते हज सीजन में मौसमियात के हवाले से रिपोर्ट जारी करेगा। इस साल हज मौसम के दौरान मक्का मुकर्रमा में दर्ज हरारत 45 से 50 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इन्होंने मजीद कहा कि हज सीजन के दौरान मिनी मजदलफा और अरफात में बूंदाबांदी का इम्कान है। दर असना सऊदी वजारत अफराध खुवत व समाजी बहबूद ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों व कंपनियों से खुले मकाम दोपहर के वक्त ड्यूटी लेने पर पाबंदी फैसले पर अमल कराया जाएगा। सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले मैदान में ड्यूटी लेने पर पाबंदी होगी। अमल दरामद जुमेरात 15 जून से 15 सितंबर 2023 तक रहेगा।
निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत शहर के श्री रामा गार्डन में मुनाकिदा तेलंगाना योम खवातिन बहबूद प्रोग्राम में की शिरकत। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत शहर के श्री रामा गार्डन में मुनाकिदा योम खवातिन प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तदा में सीएम केसीआर की जानब से खवातिन को दिए गए वादे के मुताबिक तन खवातिन व बीड़ी वर्कर्स को वजीफे की फ्राहमी अमल में लाई जा रही हैं और खवातिन तमाम शुबजात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम को रूबे अमल में लाया जा रहा है और इसी तरह से खवातिन को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए फनी तरबियती मराकज का क़याम अमल में लाया गया है। खवातिन में पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए और कारोबारी अफराद के तौर पर नए इकदाम को फरोग देने के लिए वी हब मराकज का क़याम अमल में लाया गया। MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि मुल्क में पहली बार शी टैक्स स्कीम के तहत खवातिन मुसाफरीन को तहफ़ फ्राहम करने के लिए खवातिन को माशी तौर पर तरक्की देने के लिए ड्राइविंग में तरबियत फ्राहम करते हुए सब्सिडी के तहत गाड़ियों की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। हुकूमत तेलंगाना हामिला खवातिन को मतवाजन गजा की कमी से तकलीफ में मुबतला ना होने के लिए हामिला खवातिन व इनके बच्चों के लिए आरोग्य लक्ष्मी स्कीम का आगाज अमल में लाया गया है, जिससे बच्चों व माओं में खून की कमी व मुतवाजन गजा की कमी से होने वाले अमवात में कमी आई है। इस प्रोग्राम में मियाँ नीतू किरण रियासती महिला कमीशन मेंबर सुधम लक्ष्मी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा शुनुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी कॉर्पोरेटर्स और दिगर ने शिरकत की। విధంగా ఉన్నారు వాళ్ళ మాట లేని అని చెప్పేసి వాళ్ళ నోటనే వినాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అంగన్వాడి టీచర్లు ఆశా వర్కర్లు ఏఎన్ఎంస్ ఆర్పిలు అదే విధంగా ఒక సీఓ ఒక కళ్యాణ్ లక్ష్మి ఒక షాదీ ముబారక్ ఒక ఆసరా పెన్షన్లలో కూడా విడో పెన్షన్ ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ వికలాంగుల పెన్షన్ ఒక బీడీ వర్కర్ పెన్షన్ వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడారు। ఒక సోదరిమణి మైనారిటీ సోదరిమణి మాట్లాడుతూ ఆమె మాటల్లో చెప్పింది నేను పేదరికంలో ఉన్నా ప్రతిరోజు నేను గుడ్డు తినలేను ప్రతిరోజు నేను పాలు కొనుక్కొని తాగలేను కానీ కేసీఆర్ గారి వల్ల ప్రతిరోజు నేను అంగన్వాడీ సెంటర్లలో గుడ్డు తినగలుగుతున్నా నేను పాలు తాగగలుగుతున్నా అందుకే పండంటి బిడ్డని నేను కన్నా అని చెప్పేసి ఆమె మాటల్లో చెప్పింది। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत बांसवाड़ा हलके में मुनाकिदा योम खवातिन प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर कानून साज असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। योम तासीस तेलंगाना अशर तकारीब के तहत आज बांसवाड़ा हलके में मुनाकिदा योम खवातिन प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खसूसी के तौर पर रियासत असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि आबादी का निसफ हिस्सा खवातिन पर मुश्तमिल है। रियासत तेलंगाना खवातिन की बहबूद के मामले में मुल्क में सर फहरिस्त है और इन्होंने कहा कि मैं 45 साल से सियासत से वाबस्ता होने के दौरान 10 वज़राए आला को देखा हूँ, लेकिन इनमें अवाम के चहेते खास सीएम केसीआर की मकबूलियत अहमियत रखती है, क्योंकि केसीआर के दौर इख्तदार में ही कई फलाई स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए गरीब अवाम की भरपूर मदद कर रहे हैं। इसी तरह से रियासत में 45 लाख अफराद को वजीफा दिया जा रहा है। रियासती हुकूमत हर माह 1200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। మా తల్లి వల్లనే నేను తారుమేం ఉన్నాను। 3 రూపాయలు తాగించి దవాఖాన ఏదైనా సర్వే చేస్తే భారతదేశం మొత్తం మీద తెలంగాణ కాదు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ ఈ 2 సంస్థలు కలిసి సంయుక్తంగా సర్వే చేశాయి। సర్వే చేస్తే భారతదేశం మొత్తం మీద 4 దవాఖానలు సెలెక్ట్ అయినాయి। ఆ 4 దవాఖానలలో 3 ప్రైవేట్ దవాఖానలు आर्मर हल्के तरक्की व बहबूद के मामले में अव्वलीन मुकाम हासिल करने का जिले बिहार सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत आज आलूर मंडल के दिगाम देहात में इन्हें खास अमल में लाए जाने वाले तरक्याती व बहबूद प्रोग्राम में शिरकत करने वाले जिले बिहार सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों के हमराह सुबह के अवलिन सातों दिगाम देहात का दौरा करने वाले MLA जीवन रेड्डी को मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के अलावा शानदार पैमाने पर तहनियत अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से जय जीवनना जय जय केसीआर जय तेलंगाना के नारे लगाए
जाने के बाइस माहौल में हलचल नजर आई। बातजा एमएलए जीवन रेड्डी ने अहदे दौरान के हमरा मुख्तलिफ देहात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए इनकी सेहत के तालों से दरियाफ्त के इनसे मुतालिक मसाइल से वाकफियत हासिल की और तेलंगाना हुकूमत के द्वारा इक्तदार में मुतारफ करदा मिशन भगीरथ स्कीम के तहत साफ और शिफाफ पीने का पानी का टैंकर की बरवक्त सफाई के अलावा हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले पेंशन से इस्तिफादा करने के ताल्लुक से मुकामी अवाम से जानकारी हासिल की। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। रियासती वज़ीर वेबुला प्रशांत रेड्डी की मदद से योम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत मुनाकदा योम ख़वातिन बहबूद के मौके पर सफाई अमले व आंगनवाड़ी आया को साड़ियों की फ्राहमी अमल में लाई गई। रियासती वज़ीर इमारत शोरा वेबुला प्रशांत रेड्डी के ज़ाती खर्च से इनके अपने बालकुंडा मंडल के तमाम मौजूदात में योम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत 12वें योम ख़वातिन बहबूद के पेशेंट हैं। ग्राम पंचायत में खिदमात अंजाम देने वाले सफाई अमले व आंगनवाड़ी आया के अलावा बालगुंडा मंडल मराकिस के साथ किसानगर वेनलबी बोदेपल्ली चिट्टापुर श्री रामपुर जलालपुर नागपुर बस्सापुर इतवारपेट देहात से ताल्लुक रखने वाले महिला सफाई अमला व आंगनबाड़ी खवातिन को फ्राहम करदा साड़ियों के मुकामी अवामी नुमाइंदे व कायदीन के हाथों हवाले के गए। इस मौके पर मुकामी सरपंच बी सुनीता एम पी पी लावनी लिंगागौड़ नायब सरपंच शेख वहाब एम पी टी सी इमरान के लिंगापुर शेट्टी पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत व वार्ड मेम्बरान ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत के द्वारा इक्तदार में सीएम केसीआर की क़यादत में कई फलाही स्कीमात का मुतारफ़ किया गया है जिसमें ख़वातीन की तरक्की के लिए कई मुनफरद स्कीमात को रूबेवल मिलाते हुए इसके फवायद से फैजयाब किया जा रहा है और 24 घंटे शेटिम ख़वातीन के तहफ़ के लिए खदमात अंजाम दी जा रही हैं। इन्होंने कहा कि ख़वातीन तेलंगाना हुकूमत के इक्तदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करते हुए तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेम्बरान पीलावनी विद्यासागर बी रंजीत यादव वेलफेयर मार्केट कमेटी डायरेक्टर वेमपल्ली चिन्ना बाल राजेश्वर उदीगर ने शिरकत। बालगुंडा मंडल के किसान नगर में रियासती वज़ीर इमारत शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से फ्राहम करदा मलबूसात के अवामी नुमाइंदों के हाथों आंगनवाड़ी आया ग्राम पंचायत व सफाई अमला खवातीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने योम तासीस तेलंगाना शत तकारीब के तहत मुनाकदा योम ख़वातीन बहबूद के मौके पर इनकी जानिब से फ्राहम करदा मलबूसात को साबिक़ एम पी पी इमनागा भूषणम के हाथों आंगनवाड़ी आया व ग्राम पंचायत सफाई अमला ख़वातीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इक्तदार में ख़वातीन की तरक्की के लिए कई मुनफरद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जा रहे हैं जिससे रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम टीआरएस हुकूमत के तहत काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच श्रीनिवास गौड़ मोहसे के टीआरएस सदर ए शरत टीआरएस सीनियर खायर शेख रहीमुद्दीन मोहम्मद वाहिद कोंडा अशोक वार्ड मेंबर स्वामी नाथ उदीगर ने शिरकत की। बोधन में तेलंगाना दाही तकारीब के तहत अपना फंक्शन हॉल में निकात अमल में लाए जाने वाले तेलंगाना योम तासीस बहबूद प्रोग्राम में ICDS अहदेदारान ने की शिरकत। बोधन में योम तासीस तेलंगाना शत तकारीब के तहत अपना फंक्शन हॉल में निकात अमल में लाए जाने वाले तेलंगाना योम ख़वातीन बहबूद प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन तुबमु पद्मा शरत रेड्डी एमएलए शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा के अलावा ख़वातीन अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन के बहबूद के लिए पाबंद अहद है और आगे भी ख़वातीन की तरक्की के लिए कोशिशें की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तदार पर आने के बाद केसीआर गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी टीचर्स को आया के अलावा आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया है और सीएम के सियान हुकूमत में ख़वातीन के तहफ़ के लिए शीटिंग का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा शरत रेड्डी एमएलए के अहलिया आयशा फातिमा बोधन आडी और राजेश्वर मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देवशाही बोधन सिटी टीआरएस प्रेसिडेंट रविंदर यादव ICDS मुलाजमीन म्यूनसिपल अहदेदारान के अलावा आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी टीचर्स मंडल से मुतल मौजूद के सरपंचों के अलावा MPTCs ZPTCs MPPs म्युनिसिपल काउंसलर्स ने शिरकत की। और पहले आप
आरटीसी चेयरमैन व रूरल उपनसमली निजामाबाद बाजडी गोवर्धन ने रूरल कैंप ऑफिस में आंगनवाड़ी भवन के लिए 5 लाख, रिचपली मंडल के संपली देहात से ताल्लुक रखने वाले आंगनवाड़ी भवन के लिए 5 लाख व महिला भवन के लिए 10 लाख रुपए के SFD प्रोसीडिंग दस्तावेजात मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वाले अराकिन व मुकामी अवामी नुमाइंदों को किए हवाले। TSRTC चेयरमैन व रूरल उपनसमली निजामाबाद बाजडी गोवर्धन ने रूरल कैंप ऑफिस में रिचपली मंडल के सांपल्दी देहात से ताल्लुक रखने वाले आंगनवाड़ी भवन के लिए 5 लाख व महिला भवन के लिए 10 लाख का SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात को मुख्तलिफ बरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले अराकिन व मुकामी अवामी नुमाइंदों के हवाले के इस मौके पर रूरल MLA बाजडी गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इकतदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को मुतारफ़ किया जा रहा है, बल्कि इन स्कीमात के ना सिर्फ मुस्तहिक़ अवाम को रास्त तौर पर मुस्तफ़िद किया जा रहा है और इसी तरह से CM KCR हुकूमत ने मुख्तलिफ़ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के लिए SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात हवाले किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज रिचपली मंडल के सांपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले आंगनवाड़ी भवन के लिए 5 लाख और महिला भवन के लिए 10 लाख रुपये का SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी ZPTC दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसिंह, मंडल सदर चिंता श्रीनिवास रेड्डी, सरपंच फोरम सदर मोहन रेड्डी, महिला संगम से वाबस्ता खादिन व दीगर ने शिरकत की। मुतहदा महबूब नगर जिले मकतल हल्के साबिका रुकन असम्बली के दियाकर रेड्डी फौत होने पर तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। मुतहदा महबूब नगर जिले मकतल हल्के साबिका रुकन असम्बली दियाकर रेड्डी फौत होने पर तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को इजहार ताजियत पेश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ नारे तक ही महदूद, MLC के कविता। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने कहा कि मुल्क का सदर मुकाम दहली में जिनसी हरासानी के खिलाफ खवातीन पहलवानों की जानिब से दिन रात धरने का इनेकाद अमल में लाए जाने के बावजूद भी BJP रुकन पार्लियामेंट पर किसी भी किस्म के इकदाम नहीं लिए जा रहे और मुल्क के सदर मुकाम दहली के रोड पर एक खातून को घसीटते हुए ले जा रही। MLC के कविता ने ट्विटर के जरिए बरहमी का इजहार किया और कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ नारे तक ही महदूद होकर रहने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में खानदानी हुक्मरानी चल रही है तो मरकज में इख्तदार में रहने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम को अपना खानदान समझकर हुकूमत करने का BJP के साबिका मरकजी वजीर राज्यसभा मेंबर प्रकाश जावड़ेकर ने किया इजहार। आमिर शाह के क्षत्रिया कल्याणा मंडपम में BJP के जेर निगरानी में मुनाकदा महाजन संपर्क प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खसूसी के तौर पर राज्यसभा मेंबर साबिका मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर वो जिले MP DRV ने शिरकत की। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के मैनिफेस्टो में दिए गए वादों को तेलंगाना हुकूमत नज़रअंदाज करते हुए आमराना हुकूमत को जारी रखने पर सख्त तनकीद की और कहा कि आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात में भाजपा को इख्तदार में लाने के लिए पार्टी के कायदीन व कारकुनान सिपाही की तरह कोशिश करने की अपील की। ग्रामीण सड़क योजना कार्यक्रम कंप्लीट रोड कंप्लीट मूड फ्लैओवर कंप्लीट चेक डैम चेक डैम दादापू 36 लक्षल तो आलमूर निजर्ग मन पन आधार एनरोलमेंट पेर मिस्टेक पेंशन आगेपो वेला संख्य मन రెక్టిఫికేషన్ ఆధార్ రెక్టిఫికేషన్ సెంటర్లు చేపించి బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్లు వచ్చేటట్టు చేసినాం. మనకి NH 63 నిజామాబాద్ టు ఆర్మూర్ దాన్ని 4 లేన్లు చేసుకున్న మధ్య మధ్యలో కొంచెం గ్యాపులు తప్ప వేరే పనులన్నీ అయిపోయినాయి. 1 కిలో హరేక్ కో మిలా హై 5 లోగో కా అగర్ ఘర్ హై తో 1 టన్ బియ్యం మోదీ జీ నే దియా హై హర్ ఘర్ కో హమే ఘర్ ఘర్ జాకర్ బతానా హై యే బియ్యం मोदी BM है, KCR BM नहीं है। 40 करोड़ लोगों को, युवाओं को और महिलाओं को मुद्रा लोन मिला, अपने व्यवसाय उनके चले, रोजगार निर्माण हुआ। 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, 10 करोड़ लोगों को LPG उज्जवल गैस मिला, 3 करोड़ लोगों को बिजली मिली। ये योजनाओं का लाभ देते समय कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन हमारे पार्टी को वोट देता है। फलाई स्कीमात पर अमलावरी में तेलंगाना सारे फहरिस्त होने का रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत वेलपुर मंडल के लकोरा देहात में मुनाकदा योम खवातीन प्रोग्राम से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब।
बालकुंडा हल्के में रियासत तेलंगाना दाहिर तकारीब के तहत योम खवातीन प्रोग्राम वेलपुर मंडल लकोरा देहात के एएनजी गार्डन में मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रियासती वजीरी इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का मुकामी खवातीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातजा इन्होंने शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर खवातीन ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर के दौरे इक्तदार में हासिल किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से वजाहत की। बातजा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा फ्लाइट की बात को अहम मुस्तक अफराद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया पर आयद होने का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर के 9 साल दौरे इक्तदार में होने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से वजाहत की और कहा कि सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम तक फलाई स्कीमात के फवायद पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम भी आरएस हुकूमत के शायदाई होने का इजहार किया। वयस मीते आड़वा मोदी इंट मगोल्ल के लिए आड़वा वयस लेकिन मगोल्ल के पेन अट्ला कार्यक्रम इवा बालकोट निजर्ग अरवे मंद की पेन इच्छे दबाई वेल पेन महिला आड़वा मन निजर्ग अट्ला कल्याण लक्ष्मी कल्याण लक्ष्मी तेस उपयोगपड़ा इन वेलपूर महिला अध्यक्ष आड़पि एंत रोजना सर वयस वी खवातीन माशी तौर पर तरक्की करते हुए खुश है। जुकल हल्का असम्बली में मुनाकदा योम खवातीन प्रोग्राम से एमएलए हनुमान शिंदे का खिताब। जिले खामरेडी पेद्दा कोड़बगल मंडल के मुकाम पर इनेकात अमल मिलाए गए। रियासत तेलंगाना दाहिर तकारीब के तहत योम खवातीन प्रोग्राम से मिले हनुमान शिंदे ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद से खवातीन को हर तरह की मदद करते हुए हल्के में मुस्तहकिन को वजीफे की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा कलीन लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत अब तक 10,000 अफराद को माली इमदाद हवाले किए जाने का इजहार किया। అంతేకాదు కళ్యాణ లక్ష్మి శాది ముబారక్ 10,000 మందికి ఇచ్చినాం 5,000 మందికి కేసీఆర్ కట్టించినాం ఈ విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। खवातीन की फलाह बहबूद ही हुकूमत तेलंगाना का अवलिन मकसद। इलारेडी में योम खवातीन बहबूद प्रोग्राम में जाजुला सुरेंदर ने किया ऐलान। इलारेडी में रियासत तेलंगाना दाहिर तकारीब के तहत मुनाकदा योम खवातीन प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले एमएलए जाजुला सुरेंदर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के विकार में इजाफा करने के लिए मराकज़ में मौसर खिदमात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए हुकूमत ने अमले की तनख्वाह में इजाफा किया और गुज़िश्ता आंगनबाड़ी टीचर्स की तनख्वाह 4,200 रुपये थी लेकिन हमारी हुकूमत के इख्तदार पर आने के बाद हर माह 13,650 तनख्वाह दी जा रही हैं और हामिला खवातीन को न्यूट्रिशन किट की फ्राहमी अमल में लाते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जर्जी करने वाले खवातीन को केसीआर किट के साथ हुकूमत की जानिब से माली इमदाद हवाले की जा रही है और इसी तरह से खवातीन की फलाह बहबूद के लिए आरोग्य लक्ष्मी आरोग्य महिला जैसी स्कीमात के मुताबिक किया गया है ताकि खवातीन तालीम हासिल करके बलबूते पर रोजगार हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमएलए सुरेंदर जिले कलेक्टर जितेश पाटिल मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। अवामी मसाइल को हल करने के मकसद के तहत कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का मियाँ नीतू किरण ने किया इजहार। निज़ामाबाद मियाँ नीतू किरण ने शहर के डिवीज़न नंबर 16 दुब्बा के इलाके में वाक़ रामगोपाल हदूद में 13 लाख रुपए फंड से शुरू होने वाले चम वाटर ड्रेनेज के तामीरी काम के अलावा डिवीज़न नंबर 35, 36, 43 के अहाते में 10 लाख रुपए के मसाले से सीसी रोड तामीरी कामों का अख्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर मियाँ ने खिताब करते हुए कहा कि शहर निज़ामाबाद के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के मकसद के तहत तमाम डिवीज़नों में फंड मुख्तस करने पर तमाम कॉरपोरेटर्स की जानिब से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर प्रवालिका सुधीर व दीगर ने शिरकत की। ఈనాటి ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమంలో మరి స్థానిక కార్పొరేటర్ 16వ డివిజన్ ప్రవళిక శ్రీధర్ గారు అలాగే మాజీ కార్పొరేటర్ అనితా సురేష్ గారు
अलागे मधुकर गार इकड़े चाला मंदी कालनी वासुलु पेद्दलु अंदरू कूडा इकड़ पाल्गोनडं जरिगिंदी मरी 35 46 43 डिविजन्ललो कूडा आया कॉर्पोरेटर्लंदरू कूडा वाळ्ळ कालनी वासुलु कूडा रावडं जरिगिंदी मादानि श्रीधर अन्न गारु इंका चाला मंदी नायकुलु कूडा वच्चारु ई रोजु చాలా ఆనందంగా ఉంది వారందరూ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ఇలాగే మనమంతా కలిసి మన నిజామాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ बासर ट्रिपल आई टी में एक सानहा पेश आया पीयूसी 1 जेर तालिम तालिबा दीपिका फौत हो गई तफसीलात कुछ इस तरह से बासर ट्रिपल आई टी में एक सानहा अर्तहाल पेश आया जिले संगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाली तालिबा दीपिका बाथरूम जाकर कुछ देर तक वापस न आने के बाइस बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखने वाले अहलकारों ने इस तालिबा को बेहोश पाया जिसे फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए भैंसा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तब हॉस्पिटल अमले की जानिब से सेहत से मुतालिका मसाइल की वजह से फौत होने की तस्दीक की गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना 10 साल जश्न के हिस्से के तौर पर योम खवातीन का बांसवाड़ा में कामयाब इनेकाद रियासती असेंबली स्पीकर पोचूराम निवास रेड्डी की शिरकत। अवाम की फलाह के लिए खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत सीएम केसीआर की मिसाल नहीं रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का योम खवातीन के मौके पर खिताब। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ तशहीर तक ही महदूद योम खवातीन के मौके पर मुतहदा जिले में सी के कविता का इजहार। रुकन राज्यसभा प्रकाश जावड़ेकर का जिले को दौरा निजामाबाद आर्मर व बोधन में मुनाकिदा पार्टी इजलास में की शिरकत वो बीजेपी के 9 बड़े कामयाबियों से करवाया वाकिफ। उर्स शरीफ हुजूर सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह व हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर 15 जून को मरकज अहले सुन्नत अल जामियतुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी पर जलसे आम का अहतमाम अवाम से शिरकत की अपील। जो काम 100 साल में नहीं हुआ उसको सीएम केसीआर ने 10 साल में कर दिया बीजेपी हुकूमत सिर्फ तशहीर में ही मसरूफ पीयूसी कमेटी चेयरमैन एमएलए जीवन रेड्डी। ट्रिपल आई टी बासर में पीयूसी 1 में जेर तालीम तुलबा पीडीपी का फौत तुलबा व अपराध खानदान में गम की लहर। आज के लिए फिलहाल इतना ही इंशाल्लाह मज़ेदार खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे दे इजाज़त अल्लाह हाफिज़।